नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को, दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकल के सामने आई है जो कि हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टैली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसके आवेदन चालू होंगे 28/12/2019 से 27/1/2020 तक इसके आवेदन चलेंगे। और आपको मैंने जैसे बताया, हेड कांस्टेबल AWO और TPO की पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 649। और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन PDF दिया है, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि क्या इसकी नोटिफिकेशन है और कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। और इसके अंदर जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल 4 है, उसके अंदर आपको 25,500 से 81,100। आगे मैं आपको बताता हूँ ये वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पर जाना है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आपको आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई इस वैकेंसी को करना है। और इस वैकेंसी को 27/1/2020 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और आगे मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी के बारे में कि एज लिमिट क्या रहेगी। इस वैकेंसी में जो एज लिमिट रहेगी, 18 साल से 27 साल तक का कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को आराम से अप्लाई कर सकता है। और एज इलेक्शन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज इलेक्शन मिलेगा और OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज इलेक्शन मिलेगा। और आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कितने साल का एज इलेक्शन दिया हुआ है। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप 10+2 पास होने चाहिए विद साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और प्लस आपने NTC, आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ट्रेड में आपने करा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और इन्होंने तीसरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट मांगी है, जिसके अंदर आपको 1000 की डिप्रेशन आनी चाहिए 15 मिनट के अंदर, और प्लस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, MS ऑफिस की, और अदर आपको पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग एसेट्रा, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट में। फिजिकल टेस्ट में मेल मेल कैंडिडेट की बात करते हैं पहले। मेल कैंडिडेट में जिस भी कैंडिडेट की एज 18 साल से 30 साल की है, उस कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में मारनी है, 7 मिनट में। और जिस कैंडिडेट की एज 30 साल से 40 साल है, उस कैंडिडेट को 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारनी है। और जिस कैंडिडेट की एज 40 साल से ज़्यादा है, उस कैंडिडेट को 9 मिनट में दौड़ पूरी करनी है 1600 मीटर की। और आप देख सकते हैं कौन कौन सी एज के कैंडिडेट्स को कितने 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 फिट की लॉन्ग जंप है और कितने फिट की हाई जंप है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट का देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट में जो भी फीमेल कैंडिडेट है, उनकी 18 से 30 साल की एज है, उनको 800 मीटर 5 मिनट में क्लियर करनी है। और 30 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स को 6 मिनट में, और जो अबव है 40 से, उनको 7 मिनट में ये 800 मीटर की दौड़ क्लियर करनी है। और ऐसे ही लॉन्ग जंप 30 से ऊपर जो एज है, उनको 9 फिट की और 3 फिट की हाई जंप है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एज के कैंडिडेट को कितनी लॉन्ग जंप और हाई जंप है। आगे मैं आपको बताता हूँ मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में, कि इसके अंदर क्या मेथड और रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मिनट्स का आपका पेपर होगा, ये सब मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले मैं आपको मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट बताता हूं। इसके अंदर पहले आपसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका PE & MT एग्ज़ाम होगा। ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका रीडिंग एंड डिक्टेशन का टेस्ट होगा, उस जैसे लिखा हुआ ट्रेड टेस्ट रीडिंग एंड डिक्टेशन का, वो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके क्वालिफाई करने के बाद आपको 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स आपका उसका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो बेसिक फंक्शन है उसके आपके टेस्ट होगा। जब आप ये सब क्लियर कर जाएंगे, उसके बाद आप ये सिलेक्ट होंगे इस वैकेंसी के लिए। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहेगा। उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 20
जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, मैथमेटिक्स से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर एसेट्रा, इनसे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन जो टोटल जो आपके क्वेश्चन हो गए वो हो गए 100 क्वेश्चन, मतलब आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, और आपको जो ये एग्जाम क्लियर करना है वो केवल 19 मिनट के अंदर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। ये है इसका एग्जाम मेथड। तो अभी तो यही था फिलहाल इस वैकेंसी में बताने के लिए। ऐसे ही वैकेंसी की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।